दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका कमेंट मुझे मिला, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही बने रहिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं और ला सकूं जो आपको भी हेल्प करें। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं आज के टॉपिक में, जो है हेयर का केयर। नेक्स्ट 7 दिन में आप कैसे कह रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना ही है वो है ये सलाइन वाटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पहले का 7 दिन आप बाल गीला नहीं कर सकते, मतलब नहा नहीं सकते, तो आपको इसी से ही बाल गीला करना होता है। एवरी हाफ एन आवर या एवरी 1 आवर आपको इसको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है, जैसे आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है सोने का तरीका। क्योंकि दोस्तों हम लोग, जैसे मैं पर्सनली, मैं साइड में सोता हूँ, कोई लोग होता है सामने सोता है, कोई लोग होता है पीछे के बल से होता है, तो इससे बहुत रिस्क बन जाता है। क्योंकि जब भी मैं साइड में सोता हूँ, मान लीजिए मैं, मेरा यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है आप देख सकते हो, जब भी मैं अगर साइड में सोऊंगा तो क्या होएगा, ये घिसेगा और ये घिसेगा तो ये निकलेगा, तो ये निकल जाएगा तो मेरा ट्रांसप्लांट का कोई बेसिस ही नहीं है ना, तो वो निकल ही जाएगा, तो कोई रिजल्ट मुझे मिलेगा नहीं। तो पहले का 7 दिन मेरा बाल जब तक हीलिंग प्रोसेस में है, जब तक वो लूज़ है, तब तक मुझे इसको केयर करना है मैक्सिमम। तो सोने का तरीका क्या होना चाहिए जल्दी से बता देते हैं। जो बैक के लिए पीठ के बल से होता है एकदम सीधा होके, वही है बेस्ट पोजीशन। उसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए कि आपका अगर क्राउन एरिया में भी अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो कोशिश कीजिए थोड़ा पिलो हाइटेड लेने का। अगर थोड़ा हाइटेड पिलो रहता है तो क्राउन गर्दन में सपोर्ट मिलता है, तो क्राउन थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो उसमें आपका वो गैप मिल जाता है ताकि वो क्राउन का हेयर, जो ग्राफ्टेड हेयर है, वो सेव रहे। तो मैंने भी ये फॉलो किया था, 2 पिलो लेके मैं सोया करता था, और उसके साथ साथ मैंने दोनों साइड पे भी पिलो रखा था ताकि रात को मैं कभी पलट ना जाऊँ साइड पे। दोनों हाथ के नीचे मैं ऐसे जब सोता था, दोनों हाथ के नीचे एक एक पिलो मैं रख देता था ताकि मैं पलट ना जाऊँ साइड। तो ये भी आप कर सकते हो अगर आप भी मेरे तरह साइड स्लीपर या फिर फ्रंट स्लीपर हैं, तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। दोस्तों थर्ड जो पॉइंट है ये है स्वेटिंग। आपको किसी भी हालत में एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको दौड़ने नहीं जाना है, आपको बहुत फास्ट वॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपको स्वेट आएगा, बालों में भी स्वेट आएगा, लेकिन आप उसको धो नहीं सकते, आप शैम्पू नहीं कर सकते पहले 7 दिन, तो वो गंदगी जो है वो आपके जमा रहेगा, जो आपका न्यू ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। उसके ऊपर जो आपका स्कैल्प है वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। तो जनरली पहले 7 दिन आप वर्कआउट, एक्सरसाइज, रनिंग ये सब मत ही करो, बहुत ही अच्छा है, एकदम लाइट वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन बाहर निकलना भी सजेस्टेड नहीं है। बाहर निकलने की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट वही था मेरा कि बाहर आप निकलते हो तो डस्ट से जितना हो सके बचना है, क्योंकि आप नहा नहीं रहे हो, याद रखिए, तो आपको डस्ट से बचना है। तो इसलिए जनरली हेयर कैप आप, जो शावर कैप है वो पहन सकते हो, या फिर आप बनाना पहन सकते हो कॉटन वाला, या फिर आप रुमाल लगा सकते हो हल्के तरीके से, बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिए, लेकिन नॉर्मल कैप मैं आप पहनिए, क्योंकि कैप से क्या होता है वो एयर फ्लो नहीं होता है, आपका ब्रीदिंग नहीं होएगा, तो अगर ब्रीदिंग नहीं होएगा तो आपका बाल में से फिर से वो गंदगी जमा हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना। नॉर्मल कैप नहीं पहनो, कॉटन से कोई भी चीज़ से आप लपेट के जा सकते हो। मैं बनाना यूज़ करता हूँ, या फिर जो शावर कैप है वो यूज़ करता हूँ बाहर जाने के टाइम। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। बेसिकली पहले का 7 दिन या पहले का 1 महीना। दोस्तों जो आपका बाल होता है वो केराटिन से बना होता है, जो एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो आपको खाने में प्रोटीन इनटेक बहुत लेना ही होगा, क्योंकि उससे ही आपका बाल में ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा आपको और स्ट्रांग भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो पतला बाल निकले और 2 दिन बाद वो उखड़ के चला जाए, उसको स्ट्रांग भी बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको प्रोटीन रिच फूड्स आपको लेना पड़ेगा पहले का एटलीस्ट 1 महीना तक, उसके बाद भी आपको लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ फाइबर रिच फ्रूट भी आपको चाहिए, क्योंकि बायोटिन भी आपको चाहिए होगा, तो फाइबर भी आप इंक्लूड कीजिए आपके अपने डाइट में, जो आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो प्रोटीन रिच में मैं नॉन वेज हूँ, तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, चिकन, मटन, फिश, कुछ भी, उसके साथ साथ एग्ज एंड अदर थिंग्स। आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप फॉलो कर सकते हो टोफू, आप फॉलो कर सकते हो पनीर, या फिर आपका सोयाबीन, इस टाइप का फूड्स जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दे। नेक्स्ट दोस्तों जो आपको फॉलो करना है वो है शर्ट पहनना। कते भी आप टी शर्ट मत पहनो पहले का 7 दिन एटलीस्ट, क्योंकि आपका बाल बहुत सॉफ्ट रहता है, उसका वो बहुत नाजुक रहता है, उस वो निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप अगर टी शर्ट पहनते हो तो वो सिर के यहाँ से घिस के जाएगा, है ना, और निकलने के टाइम भी ऐसे घिस के निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका बाल अनप्लक हो जाए, जो नया ग्राफ्टेड बाल है वो अनप्लक हो जाए, वो आप नहीं चाहोगे। तो डेफिनेटली टी शर्ट या भी कोई भी राउंड नेक चीज़ें आपको पहनना नहीं है,
आपको शर्ट में रिलाई करना है एटलीस्ट फर्स्ट 7 डेज, उसके बाद आपका बालों का जर्द जब थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तब आप थोड़ा टी शर्ट में आ सकते हो। और जो लास्ट चीज़ है दोस्तों, जो मैंने पर्सनली फील किया है कि आप जब कुछ चीज़ उठाते हो झुक के, क्योंकि आपका सिर थोड़ा नम रहता है, उतना सेंस नहीं रहता, तो आपको पता नहीं चलता है सामने का चीज़ से आपका टकराव हो गया, तो वो सेंस नहीं आता है। तो उसमें क्या रहता है कि रिस्क रहता है कि सामने, मतलब झुक के कुछ उठाने के टाइम सामने कुछ है तो वो हिट हो गया तो आपका बाल का एक चंक निकल जाएगा, तो आप नहीं चाहोगे कि इतना महंगा आपने ट्रांसप्लांट किया उसका कुछ पार्ट निकल जाए, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब भी आप झुक के कुछ उठा रहे हो, सामने के सामने कुछ है, जैसे मान लो बाथरूम में आप कुछ झुक के उठा रहे हो, ऊपर टैप है, इस टाइप का चीज़ें आप अवॉइड करो, सिचुएशन अवॉइड करो, ताकि ये रिस्क ना रहे आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के सीन में। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैंने पर्सनली फॉलो किया, जो मुझे हेल्प किया कि मैंने 7 दिन में एक भी ग्राफ्ट नहीं लूज़ किया, मेरा ये आज 7वां दिन है। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर लिए हो। आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अगर कुछ नया जानने को मिला तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे ही हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, आपका कुछ भी डाउट या कुछ भी वीडियोज़ आपको चाहिए इस रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड।